सो फाइनली दोस्तों सफर मूवी को लेकर बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। जी दोस्तों, काफी दिनों के बाद सफर मूवी पे मैं न्यूज दे रहा हूँ। सफर मूवी सन्नी देओल की मूवी जो कि कहा जा रहा था कि OTT पे रिलीज होगी, जो कि अभी तक 99% यही है। सो दोस्तों इस पे एक अपडेट आई है। इसके डायरेक्टर शशांक उदरपुरकर ने एक रिस्पॉन्स दिया है, एक रिप्लाई दिया है, और वो क्या रिप्लाई दिया है वो बताऊंगा दोस्तों। उसका स्क्रीन शॉट भी मैं जरूर लगाऊंगा, इससे आपको पता लग गया कि हाँ मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। और इससे ये भी पता लग गया कि हेटर लोग मेरी सारी न्यूज जो होती है वो पक्की और अच्छी होती है और सटीक होती है, ट्रांसपेरेंट होती है। तो सनी देओल फैंस, सफर मूवी के लिए आपके बहुत कमेंट आ रहे थे, तो देर किस बात की, वीडियो को लाइक कमेंट ठोको एंड रिप्लाई तो भैया भर भर के करना कमेंट मुझे। आइए वीडियो शुरू करते हैं। चैनल पर पहली बार है तो रिक्वेस्ट है प्लीज सब्सक्राइब करके प्यार दो ना यार। देखो यार दोस्तों, सनी देओल अभी क्या बताऊँ, अभी पीछे के काफ़ी तेजी से वायरल वीडियो हुआ जिसमें 2.5 करोड़ चोरी का इल्जाम लगाया गया सनी देओल के ऊपर, जो कि सुनने में आ रहा है कि वो जो प्रोड्यूसर था और सौरभ गुप्ता और ये जो और भी तमाम प्रोड्यूसर थे जानवर मूवी के, अंदाज मूवी के, कहीं ना कहीं वो सनी देओल पर इल्जाम लगा रहे थे। यार सनी देओल के पास इतना पैसा है, क्या 2.5 करोड़ नहीं होगा इनके पास? और सनी देओल से क्या बढ़कर है 2.5 करोड़? 2.5 करोड़ तो धर्मेंद्र पाजी पाद के निकाल देते होंगे यार, खुद सोचो दोस्तों। सो कहीं ना कहीं दोस्तों ये इल्जाम लगा रहे हैं, ये तो मुझे पता ही थी बात कि इल्जाम लगा रहे हैं। ये कुछ लोग होते हैं दोस्तों जो लोगों की सफलता को देख नहीं पाते हैं और उस पर कीचड़ उछालने के लिए तैयार रहते हैं हमेशा। सनी पाजी, हम सबको पता है उनका नेचर क्या है। कुछ लोगों ने मुझे ये भी हेट किया कि तू बड़ा जानता है नेचर क्या है। अरे भाई साहब, सोशल मीडिया पर हम भी तो एक्टिव रहते हैं, हमें नहीं पता वो सनी देओल पाजी का नेचर क्या होता है। भाई हनुमान जी का रोल उनको मिला है, ऊपर से बॉलीवुड में उनकी साफ छवि इमेज है, एंड मुझे लगता है कि मुझसे ज्यादा आप लोगों को पता होगा यार उनके कैरेक्टर के बारे में। क्यों, एम आई राइट दोस्तों? आपको लगता है ना कि सनी देओल का जो चेहरा है, जो इमेज, वो साफ है? कितने लोगों को लगता है कि हाँ मैं सही बोल रहा हूँ, कमेंट जरूर करना। देखो यार दोस्तों, सनी देओल की बहुत सारी फिल्में पाइपलाइन में है। लाहौर 1947, गदर 3, एक फिल्म आनी थी बाप जो कि अभी सेल्फ हो चुकी है, पता नहीं डब्बे में गई है कि आनी भी कि नहीं आनी है। क्या बोलते हैं, अहमद खान तो पता नहीं कहाँ चला गया, कहाँ छुप गया, समझ से बाहर हो रहा है। उसके अलावा दोस्तों एक फिल्म थी जन्मभूमि जो कि वो बता रहा हूँ, वो भी डब्बे में चली गई। अब बड़ी बड़ी फिल्मों की बात की जाए तो लाहौर 1947 आ रही है, उसके बाद रामायण मूवी की शूटिंग चल रही है, गदर 3 आने वाली है, और सनी देओल की एक छोटी मोटी फिल्म और आने वाली OTT पे। तो उसमें से एक छोटी मोटी फिल्मों की बात करूँ, सफर मूवी जो कि अभी तक ये लग रहा था कि ये थिएटर में रिलीज होगी। तो यार सफर मूवी एक्लिनन प्रोडक्शन हाउस से आई गेस प्रोड्यूसर, एंड आपको बता दूं दोस्तों कि इसका जो डायरेक्टर है ना शशांक उदरपुरकर है, कोई बड़ा डायरेक्टर नहीं है, इसने रीजनल बेसिस पे फिल्में बनाई हैं। प्रवास मूवी की रीमेक है, एंड मैं आए दिन देखता हूँ भाई ये डायरेक्टर है ना, मतलब भाई साहब दिमाग की दही कर दी इस डायरेक्टर ने। मैं इसके बारे में बुरा नहीं बोला चाहता, इधर सफर मूवी के कोई अपडेट नहीं दे रहा बंदा, और ये पॉलिटिकल में मोदी के पीछे पड़ा हुआ है। मैं इसके न्यूज़ देखते रहता हूँ, इसको सोशल मीडिया पर फॉलो करके रखा है मैंने, लेकिन भाई साहब ये कोई अपडेट नहीं दे रहा है। आखिरकार इतने चेजअप के बाद जो फैंस लोग थे सनी पाजी के, उन फैन में से एक फैंस थे राहुल भाई, राहुल गुप्ता करके आई गेस, तो उन्होंने राहुल भाई इसमें हमारे व्यूवर भी है, उन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है और हमें सपोर्ट भी करते हैं। तो राहुल गुप्ता ये आपके लिए था कि उनका एक उन्होंने एक सोशल मीडिया पर शशांक उदरपुरकर को रिप्लाई भेजा और उन्होंने बोला कि फैंस लोग, सनी पाजी के फैंस काफ़ी तेज़ी से वेट कर रहे हैं इस फिल्म सफर मूवी का, जिसको आप अभी तक कुछ अपडेट नहीं दे रहे हो। क्या सफर मूवी नहीं आएगी? क्या सफर मूवी डब्बे में जा चुकी है? और क्योंकि दोस्तों सफर मूवी, आपको बता दूं कि पीछे काफ़ी तेज़ी से एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें सनी पाजी रोड पे ड्रंक के मूड में थे, शराब पी रखी थी और काफ़ी नशे की हालत में थे, जिसमें से एक ऑटो वाला आता है, उनको बिठाता अपनी ऑटो में और लेके चले जाता है। वहाँ दोस्तों जो कुछ पोलिटिकल पार्टी होती है वो जानबूझ के इनको ट्रोल करती है सनी पाजी को कि हाँ भाई अभी बंदा गदर 2 की सफलता के बाद इतना ज़्यादा क्या बोलते हैं पगला गया है कि अब ये शराब पीना शुरू कर दिया है, मुंबई के रोड पर खुलेआम घूमे जा रहा है। लेकिन जब बाद में पता चला कि ये एक BTS मोमेंट था, बिहाइंड द सीन्स मोमेंट था फिल्म मूवी सफर का, एंड दोस्तों उसके बाद इन हेटरों की मुंह बोलती हो गई एंड तमाचा इनके बहुत जोरदार लगा। सनी पाजी ने भी इनके मुंह पे तमाचा मारा कि भाई तुम, मैं तो शराब पीता ही नहीं, तुमने कैसे मुझे हेट कर दिया? एंड ऑफकोर्स यार सनी पाजी शराब नहीं पीते हैं। सो दोस्तों सफर मूवी जो है काफी ग्रैंड लेवल पर मूवी होने वाली है। देखो यार प्रवास मूवी को बहुत सारे अवार्ड मिले गए। प्रवास मूवी के अंदर आपको बता दूं कि ये जो मूवी है मराठी रीजनल में बनी थी, इसकी कॉपी पेस्ट है हुबहू। सिमरन सिंह बग्गा इसके अंदर मेन एक्ट्रेस है, जो कि साउथ में कई बड़ी फिल्में और बड़े स्टारों के साथ काम की गई है। इसके अलावा दोस्तों सनी पाजी है और इसमें सलमान खान का कैमियो भी है दोस्तों, फॉर वन डे सलमान खान इस फिल्म में सलमान खान ही बने हैं। तो कहीं ना कहीं दोस्तों सफर मूवी का इंतजार हम सबको है, लेकिन प्रॉब्लम इस बात की है कि यार सलमान खान जैसे बड़े स्टार, सनी पाजी जैसे स्टार OTT पे आए तो क्या वाकई में ये कलेक्शंस कर पाएगी?
अगर इस फिल्म के अंदर एक्शन भी नहीं है, क्या वाकई में फिल्म कलेक्शंस कर पाएगी? देखो यार, मेरा पॉइंट ऑफ क्या बताऊँ दोस्तों, अगर फिल्म आती है तो मैं तो जरूर देखूंगा, बट मुझे लगता है कि ये फिल्म बहुत ही मध्यम, बहुत ही स्लो, बहुत ही ठहराव और इमोशनल कॉन्टेंट ज़्यादा है। संदीप पाजी को ऐसी फिल्में शूट नहीं करती है, ऐसी फिल्में बनी तो पक्का फ्लॉप होगी। ऑलरेडी पे हो सकता है कि अगर 20 करोड़ में बनी हुई फिल्म है तो 30 करोड़ कमा लेगी, लेकिन संदीप पाजी के यार नेम वैल्यू से कमा तो लेगी, बट मुझे लगता है कि संदीप पाजी को ये फिल्म जो है रिलीज अभी नहीं करनी चाहिए जब तक लाहौर 1947 नहीं रिलीज हो जाता। और आपको बता दूं कि उस पोस्ट पे जो सनी देओल के फैंस राहुल गुप्ता होते हैं, जब उन्होंने रिक्वेस्ट की कि भैया फैंस लोग के डिमांड पे कि इस पे कोई अपडेट दो, सफर मूवी का ट्रेलर कब तक आ सकता है, टीजर कब तक आ सकता है, तो उस पे दोस्तों आपको बता दूं कि जो शशांक उदरपुरकर जो इस फिल्म के डायरेक्टर है सफर मूवी के, उन्होंने बोला कि हम इसकी जल्दी अपडेट आपको देंगे और जल्दी ही कुछ बड़ा आने वाला है। तो जल्दी बड़ा आने का मतलब दोस्तों देखो, अभी तो कल की पूरे जून में चलेगी, तो उम्मीद किया जा रहा है कि जुलाई के महीने में सफर मूवी का टीजर और धमाकेदार ट्रेलर देखने को मिल सकता है। और ये फिल्म दोस्तों अभी मैंने उनसे पूछा भी है, अभी फाइनली कंफर्म नहीं हुआ है, बट 99% ये कंफर्म है कि ओटीटी पे ही आएगी, ये फिल्म थिएटर रिलीज नहीं होगी और ओटीटी पे आएगी। तो कब आएगी और कब चली जाएगी, चुप वाला हाल होगा। तो मैं नहीं चाहता दोस्तों, ठीक है चुप तो फिर भी मूवी थोड़ा सही थी, बट ये मूवी मुझे बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं हो रहा। मेरे ख्याल से बाप और सूर्या और दोस्तों एक और मूवी ये जो सफ़र, प्लीज़ सन्नी देओल साहब इस मूवी को पैक कर दो और बड़ी मूवी पर ध्यान दो जो 500 करोड़ के क्लब में शामिल हो, 1000 करोड़ के क्लब में शामिल हो। 100 करोड़ 50 करोड़ मूवी से काम नहीं बनेगा, क्योंकि फिर जनता फिर आपको यहां थे आप यहां आ जाओगे। तो ये मेरा रिक्वेस्ट है, मेरी एडवाइस है दोस्तों, सफर मूवी को लेकर जुलाई में दोस्तों इसका ट्रेलर आएगा, टीजर आएगा, उसके बाद दोस्तों बाकी अपडेट जैसे ही कुछ आती है बताऊंगा। इतना ही दोस्तों आज के लिए, क्योंकि आज के लिए शशांक उदरपुरकर ने इतना ही बताया है, मजाक कर रहा हूं दोस्तों। डेफिनेटली सफर मूवी को लेकर कुछ बड़ी अपडेट आएगी, डेफिनेटली आपके साथ शेयर करूंगा। इसके अलावा दोस्तों वेटिंग फॉर द सन्नी देओल न्यू फिल्म दोस्तों, कोई बड़ी अनाउंसमेंट जल्दी ही आ सकती है। तो स्टे ट्यून, लाइक कमेंट करो, प्यार करो, सब्सक्राइब करो और अपने भाई को हमेशा दोस्तों सपोर्ट करते रहिए। और आपके कमेंट दोस्तों मैं देख रहा हूँ बहुत कम आ रहे हैं, सन्नी देओल फैंस लगता है क्या हो गया, सो गए क्या भाई, जाग जाओ, अभी पाजी अभी कहर उठाने वाले हैं। तो भाई साहब प्लीज़ सब्सक्राइब करो, ठोको कमेंट, ठोको कमेंट।